खबर है कांगड़ा की, जहां नूरपुर क्षेत्र की पंचायत धनेटी बुरिया में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त हो गई है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि जुआ खेल रहे कुछ लोगों ने उनकी हत्या की है। नूरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह पंचायत धनेटी बुरिया तहसील नूरपुर के तौर पर हुई है। मृतक की बेटी कल्पना और भतीजे मुनीश कुमार ने आरोप लगाया है कि कुलदीप सिंह की हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार मौके पर खून से लथपथ पड़ा पत्थर, शराब की खाली बोतलें और ताश आदि सुराग भी इसी ओर पुख्ता इशारा कर रहे हैं। वारदात दिवाली वाली शाम के 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। कुछ लोग गाँव में एक जगह ताश खेल रहे थे और उक्त व्यक्ति भी इस दौरान उधर से गुजर रहा था। इस दौरान कुछ लोग जो कि जुआ हार गए थे, उनके कुलदीप सिंह से कहा सुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि कुलदीप बेसुध पड़ा है। परिजन उक्त जगह पहुंचे तो उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुलदीप की हत्या की गई है, क्योंकि उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया गया था और मौके पर खून से सना पत्थर भी हत्या की ओर साफ इशारा कर रहा है। मामले की सूचना मिलने पर नूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कुछ लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस घटना के सारे साक्ष्य जुटा रही है। जी बताइए, क्या है सर? मेरा नाम मनीष कुमार है। जब हमें बताया गया था, किसने बताया था कि आपके चाचा जी उधर पड़े हैं, हम उधर देखने गए थे तो उधर किसने चाचा को बहुत बुरी तरीके से मारा था पत्थरों के साथ। चाचा जी को मर्डर कर दिया था। फिर उधर पुलिस भी आई, पुलिस ने अपनी छानबीन की, फोटो वगैरह ली। जिस किसी ने मारा वो वहाँ से भाग गया था। किसी पर शक है आपको? शक तो किसी पर नहीं है। वहाँ ना ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे ना, जुआ खेल रहे थे। हाँ जी बोलो। वहाँ जुआ खेल रहे थे, दो कोई 15-20 बंदे थे, तो वो देख रहा था और हंस रहा था। कोई हार उस टाइम कोई हार गया, वो हंसने लग गया, गाड़ी देने लग पिया उन्होंने उस टाइम। फिर भाग गए मार के, ये पता नहीं किसी ने मारा किसी ने नहीं मारा। जो दिन में लड़ाई उसके बारे में आपको पता है? दिन में लड़ाई हुई को नहीं है पता उसका। अच्छा जी। मैं कविता रानी धनेटी गाला पंचायत की बाढ़ पंच हूँ, और यहाँ पर ये जो जिनकी मृत्यु हुई है ये मेरे चाचा ससुर जी लगते हैं। शाम के 6 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे पास खड पड़ती है कि उसके पार हमारे चाचा जी वहाँ पर पड़े हैं। जब हम वहाँ पर मेरे पति जी गए ना, तो उन्होंने मतलब के साथ में चाचा था या कि लड़के भी गए, उन्होंने देखा कि वो नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने हाथ वगैरह लगाया तो उनकी नब्जी वगैरह नहीं चल रही थी, तो फिर इन्होंने देखा कि ये तो नहीं है। फिर गांव के और भी लोगों को बुलाया जो आसपास घर, तो कुछ भी नहीं था, हमारे चाचा जी तो ख़त्म हो चुके थे। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि ये गरीब परिवार है और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अमीरों की तो हर कोई सुनता है, मगर गरीबों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही इनके मजदूरी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं जो चले गए हैं। 3 बेटियां हैं, 2 की शादी होगी है, 1 की अभी शादी है। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें विनती मैं ये करती हूँ कि इनको आप न्याय करवाएं, न्याय होना चाहिए। कल दिनांक 27/10/2019 को दिवाली की शाम तकरीबन 7 बजे हमें थाने में सूचना मिली है कि धनेटी भूरियां गांव, जो कि तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा में पड़ता है, जो कि पीएस पुलिस स्टेशन नूरपुर के अंदर आता है, वहां पे खड्ड के साथ एक धूसी जो ऊँची जगह होती है, वहां पे एक आदमी जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि मौके पे पुलिस की टीम उसके बाद मौके पे गई तो देखा कि वो आदमी मर चुका है, और प्रेमफसाई ये लग रहा था कि उसके सर पे चोट का निशान है, इसकी वजह से वो मर चुका है। उसकी वाइफ जो डिसीज्ड है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उनका नाम है श्री कुलदीप कुमार, गांव व डाकाना धनेटी भूरियां का रहने वाला है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी के बयान पर हमने अंडर सेक्शन 302 मर्डर केस में जो कि FIR थाना नूरपुर में दर्ज कर दी है। और पुलिस इस बारे में जांच कर रही है जी? हाँ जी, हमने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मौके पे FSL की टीम भी आज बुलाई गई है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। थैंक यू।
रजत ऑटोमोबाइल भूल ज्वाली की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज और विश्वकर्मा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। रजत ऑटोमोबाइल भूल ज्वाली भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। रजत ऑटोमोबाइल भूल ज्वाली की ओर से आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हीरो शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।